Hello guys, so welcome back to Dream Dose. First of all, let me tell you something कि क्या क्या चीज़ हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. सो देखो, आप लोग ने जैसा प्लेलिस्ट बनाने के लिए मुझे बोला था, सो आई हैव ऑलरेडी मेड इट, ठीक है. तो ये आपका प्ले, देखो ये हमारा चैनल है ड्रीम डोज, ठीक है, मतलब हमारा चैनल है. सो ड्रीम डोज, तो आपको क्या करना है कि ये प्रैक्टिस सेट का मैंने लिस्ट बना दिया पूरा, ठीक है. तो टोटल 24 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है टोटल मेंस के लिए, ठीक है. हर में हमने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस किए. ये आपका प्रैक्टिस सेट का है, प्लस ये जो है आपका जीके ट्रिक का है, ठीक है. तो ये वाला और ये दोनों आपको एकदम रिग्रेसली फॉलो करना है, ठीक है, अगर आप 85 प्लस स्कोर करना चाहते हो मेंस में तो, ठीक है. और ये जो रहेगा आपका करंट अफेयर्स का रहेगा. तो इतना अभी आपको लेके चलना है. और आज से आपका मैं स्पेशली एप्टीट्यूड और रीजनिंग का स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा. सो मेक श्योर जितना आपको पढ़ा दिया गया उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हमारा आज का प्रैक्टिस सेट. आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो पूरा का पूरा जो है आपका क्या है, आज का पूरा जो है आपका आज मैथ्स होगा, मतलब टोटली एप्टीट्यूड होगा. रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर लेंगे, क्योंकि मैंने जब 50-50 का क्वेश्चंस का सेट करवाया तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने एप्टीट्यूड के भी डाले थे, ठीक है. तो ये आपका बिहार दरोगा जो मेंस है उसके लिए भी, प्लस आपका जो बीएसएससी, ठीक है, बीएसएससी जो सीजीएल आने वाला है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो आपको टोटल 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है. इसमें मुझे 20 आउट ऑफ 20 चाहिए, इसमें कोई भी टॉलरेंस बैंड नहीं आपको दिया जाएगा, ठीक है. तभी आप 85 प्लस जो है आप मेंस में स्कोर कर पाओगे, ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. आपको इनिशियली खुद से ट्राई करना है, अपना मेथड लगाना है, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखने. सो रेडी, चलो देखो. तो पहला क्वेश्चन बोलता है ए ने, देखो ये सब क्वेश्चंस जो है कुछ क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कर रखा होगा अगर मुझे आप शुरू से फॉलो करते आ रहे हो, ठीक है. तो उनके लिए रिवीजन होगा और हर एक क्वेश्चंस में आपको कुछ नया जानने को भी मिलेगा, ठीक है. और ट्राई करना कि हर एक क्वेश्चंस को आप 40 से 50 सेकंड में कर पाओ, ठीक है. और कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे. देखो तो ए ने, ठीक है, ए ने 50,000 रुपीज, ठीक है, निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया. 6 महीने के बाद बी ने 75,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हुआ और इसके 6 महीने बाद सी 125,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ, ठीक है. तो 2 वर्ष के पश्चात एबीसी का लाभ का रेशियो क्या होगा, आपको ये पूछा है. देखो अब देखो ये एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, आपको हार्डली 30 सेकंड लगना चाहिए अगर आप करते हो. देखो कैसे करना, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा यहां ए बी और सी, ठीक है, तीन आदमी है. मैं 0-0 पहले ही काट दूंगा, यहाँ से 3-0 काट दूंगा मुझे, क्योंकि रेशियो चाहिए. तो रेशियो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब ही नहीं है. तो यहाँ 3-0 काट दूंगा और यहाँ भी 3-0 काट दूंगा, ठीक है. पहला ने अगर मान लो 50 रुपया जमा किया, कितने साल के लिए, तो देखो टोटल 2 साल के लिए, तो ये टोटल शुरू से अंत तक था. उसके आधा महीने बाद मतलब 1.5 साल तक किसने जमा किया, बी ने, तो 75 डेढ़ साल मतलब क्या आता है, 1/2, ठीक है, तो मतलब 3/2 इंटू सी. सी क्या हो जाता है आपका, कितना, तो ये 125 इंटू आपका लास्ट 1 साल के लिए जमा करता है. ये 2 साल के लिए जमा करता है, ये 1.5 साल के लिए और ये लास्ट का 1 साल के लिए. देखो ये पार्टनरशिप का कंसेप्ट है और मैंने एक चीज़ सिखाया था, पार्टनरशिप पूरा का पूरा आपको बस इस पर खत्म हो जाएगा. बस ये एक सिंपल सा चीज़ में, प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू टाइम, मतलब प्रॉफिट जो होगा आपका, आपने कितना इन्वेस्ट किया, मतलब निवेश किया, ठीक है, उसको इंग्लिश में इन्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है. तो कितना आपने इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए किया, तो ये आपका प्रॉफिट, कितना इन्वेस्ट किया प्लस आपने कितना टाइम के लिए लगाया. अब देखो इसको काट लो, सबसे पहले अगर मैं 25 को काटूंगा तो 25 से तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ इसको 25 से काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ 25 से काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा 5. अगर मैं इसको फिर से लिखता हूँ तो यहाँ आ जाएगा आपका 10, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 9/2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका 5, राइट, 9 आ गया यहाँ और यहाँ आ गया आपका कितना आ गया, मैंने 2 यहाँ लिखा ना, यहाँ आपका 10 कैसे आ गया, 25 टू जाए यहाँ 4 आएगा ना आपका, ठीक है, तो 25 टू जाए 50, तो ये 4 आ गया, ये 9/2 हो गया और ये आपका 5 आ गया. अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ 2 हटाना है तो मैं 2 पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा और ये आपका 10 आ जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 9, 8, 9, 10, ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, देखो हो जाएगा बी. देखो जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया ना, कैलकुलेशन आपका उसी तरीके से एग्जाम में होना चाहिए. आप पता नहीं आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हो, बट हार्डली इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड्स लगने चाहिए थे, ठीक है. चलो ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है,
प्लीज सीखते हुए चलोगे कि मैं आपको एक्चुअली क्या समझाना चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन एज वेल एज आपको किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो साझेदार एक्स एंड वाई ने निवेश का अनुपात 11:1 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है आपका 11:1, ठीक है, तथा उनके लाभ का अनुपात क्या है आपका 2:3। यदि X ने 8 महीने के लिए निवेश किया है तो Y ने कितने महीने के लिए निवेश किया है, ठीक है। तो मैंने आपको बस एक फॉर्मूला समझाया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ये तो जीवन में भी लागू होता है, आप बैंक में जितना पैसा रखते हो जितने टाइम के लिए रखते हो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो बस मुझे क्या बोला, यहाँ एक X है, ठीक है, यहाँ X मुझे दिया हुआ है और मुझे यहाँ दो एक Y दिया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों का मुझे क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली, देखो निवेश का अनुपात मतलब यहाँ मुझे कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, किसका, X और Y का, ठीक है। तो X और Y का कैपिटल का रेशियो कितना मुझे दिया हुआ है, ये दिया 11:12। तो अगर मैं यहाँ से कैपिटल का निकालता हूँ तो कैपिटल का वैल्यू क्या होगा मेरा, प्रॉफिट बाय टाइम, ठीक है। तो दोनों का, और ये दोनों क्या है मेरा, ये भी कैपिटल है X का और ये क्या क्या का कैपिटल है, ये है कैपिटल आप Y का। तो देखो अगर आप X का कैपिटल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, उसका प्रॉफिट बाय टाइम, तो देखो इसका प्रॉफिट कितना हुआ है 2, ठीक है। और इसको टाइम कितना लगा है अगर देखोगे तो टाइम इसको लगा है 8 X का, ठीक है, डिवाइडेड बाय, दूसरा देखो इसका फिर से कैपिटल निकालो Y का, ठीक है। तो Y का कैपिटल निकालोगे तो क्या होगा, कैपिटल क्या होता है प्रॉफिट बाय टाइम, तो प्रॉफिट इसका कितना है 3 और टाइम तो मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 11:12 इक्वल टू 2:8 इंटू ऊपर T ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 3, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को मतलब सॉल्व करते हो। देखो अब इसको मैं डायरेक्टली यहीं से काटूंगा 2 यहाँ 4, तो ये नीचे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 कट जाएगा तो T इक्वल टू कितना आ गया आपका, आ जाएगा कितना 11 ईयर, ठीक है, 11 मंथ एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 11 मंथ, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये मंथ में ही दिया हुआ था, समझ में आया। तो यहाँ D का आंसर हो जाएगा आपका 11, यहाँ 11 होगा तो आपका आंसर हो गया 2 का जो आंसर हो गया वही 11 मंथ। फिर से चीज़ें वही है जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, एग्जाम में अप्रोच आपका ये होना चाहिए। आप BSSC CGL दोगे, NTPC दोगे, ग्रुप डी दोगे, आप SSC के भी एग्जाम्स भरते होंगे, तो वो चीज़ों को आप इस तरीके से समझ के कीजिए, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रख के चलना है, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको एकदम ड्रिल करवा दूंगा कि आखिर ये क्वेश्चन हो क्या रहा है। देखो बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन याद करके रखा है, ठीक है, पर मैं आज आपको पूरा समझा दूंगा कि आखिर ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। देखो एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस छूटती है, ठीक है। मान लो आप समझो, यहाँ समझने की मेन चीज़ लैंग्वेज ही है, ठीक है। मान लो कोई एक बस टर्मिनल है, ठीक है, बस टर्मिनल है जहाँ बस के लिए आदमी लोग रुकते हैं, ठीक है, और हर 10 मिनट में यहाँ से एक बस पास होता है, मतलब हर 10 मिनट में मान लो कोई बस यहाँ से आता है और ये टर्मिनल पे हर 10 मिनट में एक बस यहाँ से क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया, तो यही बोला है एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट में एक अंतराल पर 20 किलोमीटर के हिसाब की चाल से बस छूटती है। तो मतलब एक बस यहाँ मान लो एक बस है, ठीक है, ये बस आता है, ठीक है, ये चक्का भी मान लो, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आता है और यहाँ से 10 मिनट में हर 10 मिनट में एक बस यहाँ देखने को मिलता है और जाता है, ठीक है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाला एक व्यक्ति को ये बस 7 मिनट में मिल जाता है। तो मान लो ये बस इधर से आ रहा था, ठीक है, और एक आदमी क्या हुआ इधर से आया, ठीक है, तो अगर वो यहीं रुक जाता तो उसको 10 मिनट में मिल जाता, पर वो थोड़ा और आगे चलता है खुद ब खुद और उसको क्या मिल जाता है इस जगह पर, मतलब 7 मिनट में ही उसको बस मिल जाता है। अगर यहाँ रुकता तो उसको 10 मिनट में मिलता, पर वो थोड़ा और चलता है उसको 7 मिनट में ही बस मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ उसका मीटिंग हो जाता है बस से। अब पूछा है कि 7 मिनट के अंतराल पर मिलती है, व्यक्ति की चाल क्या, तो व्यक्ति का चाल कितना है। देखो अब एक चीज़ समझना, अगर वो इसी जगह रुक गया होता मतलब बस टर्मिनल पर रुक गया होता तो क्या होता, उसको 10 मिनट में बस मिलता, पर अगर उसने क्या किया इतना डिस्टेंस, ठीक है, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया जिसके कारण उसको बस क्या हो गया 7 मिनट में ही मिल गया, ठीक है। तो अगर वो इतना डिस्टेंस रुक जाता तो क्या होता, उसको मतलब 10 मिनट में ही मिल जाता, ठीक है, और वो क्या हुआ थोड़ा आगे चल गया तो उसको क्या हो गया 7 मिनट में मिल गया। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है, अब ध्यान से समझ, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस उसने 7 मिनट में ट्रेवल किया वही डिस्टेंस बस जो है उसको 3 मिनट में ट्रेवल करता, समझ में आया। फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, ये यहाँ से चला यहाँ तक, ठीक है, और ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना लिया 7 मिनट लिया, ठीक है, तभी तो उसको बस पहले ही मिल गया। बट अगर वो इसी जगह रुक जाता तो उसको बस कितने देर में मिल जाता 10 मिनट में मिल जाता।
तो मतलब अगर वो इस डिस्टेंस को उसने 7 मिनट में जो ट्रेवल किया, वही बस ने उसको कितने मिनट में ट्रेवल कर लेता, 3 मिनट में कर लेता, तो बस हो गया। बस यही इतना ही कंसेप्ट था। फिर से समझने की कोशिश करना मैंने क्या समझाया। अगर वो समझ गए तो क्वेश्चन आपका लिए कुछ भी नहीं है। देखो तो मैं क्या लिखूँगा, टाइम लिखूँगा, ठीक है, टाइम लिखूँगा, या ये बस का और ये मैन का, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बस को कितना लगता, 3 मिनट ही लगता, क्योंकि वो 3 मिनट रुक जाता तो बस यहाँ तक पहुँच जाता। पर और मैन को यही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना लगा है, 7 मिनट लगा है, ठीक है। और पता है यहाँ क्या है आपका, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। तो यहाँ क्या है आपका, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, तो अगर मैं स्पीड निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका, बस का मुझे स्पीड दिया हुआ है, तो बस का स्पीड मुझे कितना दिया हुआ है, बस का मुझे स्पीड दिया है 20। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, 20/7। तो 3 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 20/7 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 60/7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका ऑप्शन गलती है मुझे पता है। तो जिसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60/7 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 60/7 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बेहतरीन, मतलब ये चीज़ समझने वाली चीज़ थी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एक बार खुद भी उसमें दिमाग लगाना, ठीक है, मैं बोला क्या। और जिनको जिनको समझ में आ गया प्लीज़ नीचे कमेंट करना, हाँ सर समझ में आ गया। शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी कितना है। देखो मैं इसको दोनों तरीके से आपको करवा देता हूँ, विद इन ए सेकेंड भी करवा देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बात देखो, टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूँ, देखो क्वेश्चन तो होपफुली आप समझ गए होंगे। कोई एक नाव है 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका नॉर्मल स्पीड है, मतलब अगर वो शांत जल में चलता है तो, और धारा की चाल मतलब स्ट्रीम का जो चाल है वो 3 किलोमीटर बराबर है। यदि 3 घंटा में वो कोई डिस्टेंस जा एक कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, कोई दूरी है, वो 3 घंटा में पूरा जाती है और आ भी जाती है, तो पूछा है कि वो दूरी कितना है, ठीक है। बस ये तो मान लो मेरा डिस्टेंस जो था, दूरी था, वो डी था, तो जाने के समय इसको कितना टाइम लगा होगा, डी बाई टोटल टाइम कितना लगाएगा जाने के समय, तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 5+3 8 हो जाएगा। और आने के समय क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 5-3 यहाँ 2 हो जाएगा। और टोटल टाइम मुझे कितना लगा है, 3 घंटा लगा है, ठीक है, समझ में आया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब सॉल्व करने का तरीका होता है, अब मैं इसको क्या करूँगा, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 8 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये प्लस है, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4D हो जाएगा, ठीक है। और 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5D और ये हो जाएगा 24। तो D का वैल्यू जो आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 4.8, ठीक है। तो 4.8 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक तो आपका ये तरीका हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसको और एक तरीके से आप कैसे याद रख सकते हो, तो प्लीज़ ये फॉर्मूला आप याद रखना, बहुत जगह आपको ये चीज़ें ईजी करवा देगा, ठीक है। देखो क्या होता है कि टाइम पीरियड, ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये एक्चुअली बना हुआ उसी से जिससे मैंने करवाया, 2dx इक्वल टू आपका x²-y², ठीक है। ये x² है आपका बोट का चाल, मतलब नाव की चाल है, ठीक है। और ये y जो है आपका धारा की चाल है, ठीक है। तो टाइम मुझे दिया है 3 घंटा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2, मुझे डिस्टेंस निकालना है। और x क्या मैंने बोला, जो है ये आपका नाव का चाल, तो ये हो जाएगा आपका 5। और नीचे क्या लिखोगे, 25-9, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी जो आ जाएगा, आप इजी है, विद इन ए सेकेंड कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4.8, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है बेसिकली क्या, आप लोगों के द्वारा ही भेजा गया, ठीक है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है क्योंकि जो मैं ऑफलाइन जहाँ करवा रहा हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ, उसमें से किसी को एक ने ये भेजा है, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप पहले एक बार खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है। पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो, देखो आप ये कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। होपफुली इंग्लिश हिंदी में आपको मैथ्स में तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं होगा, ठीक है। देखो एक बार मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप पहले और फिर से आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट, मतलब थोड़ा सोचना, जिसमें बोलते हैं ना, हाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है, वो इस टाइप का क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, मतलब कोई भी वस्तु था जो किसी दाम पे बेचा गया, ठीक है। इफ़ इट इज सोल्ड एट 33 1/3, ये है आपका, इसका मैं वैल्यू ये इस तरीके से है, ठीक है, 33 1/3%, ठीक है, ऑफ दिस प्राइस, ठीक है। तो किसी मतलब एक एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, मतलब कोई आर्टिकल था किसी सर्टेन प्राइस पे वो सोल्ड, मतलब किसी प्राइस पे वो सोल्ड किया गया, मतलब बेचा गया। और बोला जाता है अगर वो जो प्राइस पे वो बेचा गया उसका 33 1/3% पे अगर वो बेचा जाता तो उसको लॉस हो जाता कितना, 33 1/3%,
ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ सेल ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो अगर ये जो 60% इसका जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, मतलब इस पे जो फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस जो था, ये वाला सेलिंग प्राइस, अगर उसका 60% पे अगर वो सेल करता है तो आपका जो प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो तो इसको करना कैसे, जब भी परसेंटेज का बात आए ना तो आप एज्यूम कर लेना कुछ भी वैल्यू। ठीक है, यहाँ 33 1/3% दिया है, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर ये वैल्यू आप पता नहीं है तब तो फिर आपको डिफिकल्ट हो जाएगा करने में। 33 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 1/3 देखा, प्लीज़ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, एग्जाम को 85+ क्रैक करने के लिए। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो तो मैंने मान लिया कि जो मेरा SP था, ठीक है, मेरा SP जो था वो 300 था। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, जो मेरा जो SP था ओरिजिनल वो 300 था। उसके बाद बोला है कि अगर मैं उसको 33 1/3% पे बेच देता हूँ तो इसका 33 1/3 कितना होगा, 33 1/3% मतलब होता है 1/3। तो इसका 1/3 करोगे तो जो मेरा नेक्स्ट SP जो हो जाएगा 1/3 मतलब कितना, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला है, ठीक है, तो जब ये इतना पे बेचता है तो उसको लॉस हो जाता है कितना, 33 1/3% का लॉस हो जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 60% पे अगर बेचता है, मतलब ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस था उसका 60% पे बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा। देखो तो जब ये इतना में बेचा, मतलब ये जब 100 रुपया में बेचा तो उसको कितना का लॉस हो गया, उसको लॉस हुआ है 33 1/3% का लॉस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1/3, मतलब उसका जो CP था वो 3 था। ठीक है, तो SP कितना हो जाएगा, उसका 2 हो जाएगा, क्योंकि लॉस -1 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये CP यहाँ लिखा मैंने, SP यहाँ लिखा मैंने। ठीक है, और CP कितना है मेरा, 3 है, SP कितना है मेरा, 2 है, क्योंकि 1 तो लॉस हो गया। अब मुझे ये जो SP दिया हुआ है, ठीक है, देखो SP मुझे दिया हुआ है क्योंकि मैंने SP तो 100 निकाल लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 100 लिखा और यहाँ कितने टाइम से, ये 50 टाइम से, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, मेरा CP निकल गया। ठीक है, तो यहाँ 150 आ गया। ठीक है, अब देखो जब ये मेरा 150 आ गया तो मतलब मुझे CP पता चल गया। अब इसने क्या बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो मेरा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मैंने क्या लिया था, मैंने 300 लिया था, इसका 60% कितना होगा, 180 होगा। तो ये हो गया आपका अभी का SP, और मेरा CP कितना है, ये 150 है। तो डिफरेंस कितना है देख रहे हो, 30 का 150 के ऊपर है, तो कितना परसेंटेज का मेरा प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया आपका 20% का। प्लीज़ गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जब जिन्होंने भेजा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद सॉल्व करके भी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, चलो अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ बताना, मैं फिर से इस क्वेश्चन को नेक्स्ट में ले लूँगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, मेंस देने जा रहे हो तो डेफिनेटली इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, और आप लोग रेलवे का प्रिपेयर कर रहे हो, BSSC CGL का प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सब करना है आपको। ठीक है, एक व्यक्ति 16 किलोमीटर घंटा की चाल से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है। ठीक है, तो पहला उसका स्पीड क्या है, 16 किलोमीटर दिया हुआ है पर आवर। ठीक है, वह स्थान पर जाता है और कम चाल से वापस आता है, मतलब 7S2 जो दिया है, कुछ दिया हुआ है बट इससे कम चाल से आता है। ठीक है, यदि कुल मिलाकर औसत चाल 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो वापस आते ही समय चाल कितना, औसत चाल कितना होगा, आपको ये पूछा है। नहीं, औसत चाल मुझे दिया हुआ है, पूछा है कि उसका जो रिटर्निंग स्पीड था वो कितना होगा। देखो तो कोई आदमी है, किसी चाल से एक दूरी को वो जाता है। ठीक है, एक दूरी गया, मतलब ए से बी गया। ठीक है, और कुछ चाल से वो वापस आया, तो गया था 16 किलोमीटर पर आवर से, और आया जो चाल है वो 16 किलोमीटर से कम है, बट मुझे ये नहीं बताया कि कितना है। ठीक है, और औसत जो मुझे दिया हुआ है वो मुझे दिया है 6.4। ठीक है, तो आप तो क्या करोगे, इसको 2xy x + y करके निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू, पर मैं बताता हूँ इसको आप उतना करने की जरूरत नहीं, विद इन सेकेंड आप मार्क कर दो, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। बोलो कैसे, अगर आपने समझ के रखा है कि आखिर ये जो आपका एवरेज होता क्या है, एवरेज क्या होता है, मान लो मुझे दो नंबर का एवरेज निकालना है, तो जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, जैसे कि देखो दो है ये तीन है, मुझे इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो जो एवरेज जो आएगा ना, इन दोनों के बीच में ही होगा हमेशा, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है वो उससे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है वो उससे छोटा होगा। समझ में आया, तो मुझे वो बोला है कि पहला स्पीड अगर 16 किलोमीटर है तो दूसरा स्पीड क्या होगा, 16 से कम होगा। ठीक है, और जो एवरेज होगा इन दोनों के बीच में होगा, तो एवरेज मुझे दिया हुआ है कि 6 एवरेज, देखो तो ये 16 किलोमीटर दिया हुआ है और S2 मुझे निकालना है, और बीच का जो मुझे दिया है कितना, 6.4। तो ये तो सियोर है कि जो मेरा S2 होगा वो क्या होगा, 6.4 से क्या होगा, वो कम ही होगा। तो मैंने 10 और 8 तो डायरेक्टली मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और मुझे देख के लग रहा है कि ये डेफिनेटली लग रहा है, क्योंकि देखो ये 16 है और ये 6
6 है, तो मुझे एवरेज कितना चाहिए 6.5, तो मुझे देख के लग रहा है कि लीस्ट मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, 4 ले लूँगा। मैं डायरेक्टली करके देख लेता हूँ, देखो। तो अगर मैं निकालता हूँ 2 × 4 × 16 डिवाइडेड बाई 16 + 4, तो 20, ठीक है। तो अब मुझे कितना आना चाहिए, 6.4 आना चाहिए। तो देखो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ से काटोगे तो ये 10 हो जाएगा, और 16.4 जाए कितना हो जाता है, 64 हो जाता है, और नीचे 10 है तो 6.4 आ जाएगा। विद इन ए सेकेंड आप आंसर मार सकते थे कि डी है, बस आपको समझने का फेर है, ठीक है। देखो, रवि तथा राम एक स्थान ए से बी जो कि 80 किलोमीटर दूर स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल राम की चाल से 6 किलोमीटर घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद राम पूर्ण ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है, तथा रवि से बी स्थान से 20 किलोमीटर दूरी पर मिलता है, तो रवि की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमेशा मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाऊँ जहाँ से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिले, ठीक है। देखो तो इसमें क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ आपको। मान लो कोई ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, ए से बी। अब ध्यान से समझना, ये है आपका ए यहाँ, ये है आपका यहाँ बी, ठीक है। ये कितना है आपका, 80 किलोमीटर, ठीक है। एक व्यक्ति है राम, ठीक है, और दूसरा है आपका रवि, ठीक है। रवि की जो चाल है 6 किलोमीटर कम है, ठीक है, 6 किलोमीटर कम है, इसलिए मैंने नीचे एरो दिया। किसके कंपेयर में, राम के कंपेयर में। तो पूछा है कि रवि की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ काम क्या है, यहाँ बोला है कि दोनों साथ में चलना शुरू करते हैं, ठीक है, थीके? और राम क्या करता है, ज़्यादा स्पीड है तो क्या करता है, पहले बी तक पहुँच जाता है, ठीक है। क्या करता है, वो बी तक पहुँच जाता है, और फिर वो जब वापस आता है तो वो, देखो राम ए से बी तक गया, ठीक है, और फिर जब वो वापस आता है तो वो कुछ इस डिस्टेंस पे वो किससे मिलता है, रवि से मिलता है। तो इसका मिलन हो रहा है यहाँ राम प्लस रवि का, तो मतलब रवि यहाँ से यहाँ तक ही चला था, तब तक क्या किया, राम ने पूरा कंप्लीट भी कर लिया, और वो यहाँ से यहाँ किसको मिल भी गया, ठीक है। और ये जो मिला है वो कहाँ मिला है, बी से 20 किलोमीटर दूरी पे, मतलब बी यहाँ है तो बी से 20 के, तो ये है आपका 20 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब जब रवि 20 किलोमीटर पीछे ही था तब तक राम ने क्या किया, बी पे भी चला गया और बी से यहाँ तक भी वो आ गया। होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। देखो अब यहाँ पूछा है कि रवि का स्पीड क्या है, तो देखो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ टाइम जो है, टाइम कांस्टेंट है। अब बोलो कैसे, देखो जितना टाइम में ए बी तक जाके, बी ए क्या किया गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर वो यहाँ तक भी आ गया, ठीक है, यहाँ तक भी आ गया, उतना में रवि जो है आपका वो यहाँ से यहाँ तक गया। मतलब राम अगर ए से बी तक गया, फिर वो ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस पीछे से भी ये कर लिया, और रवि का है आपका अभी वो इतना तक ही पहुँचा ही था, ठीक है। तो समझ में आया, तो अगर मैं डिस्टेंस का दोनों का रेशियो लिखूंगा, ठीक है, तो यहाँ अगर मैं राम लिखता हूँ और यहाँ मैं रवि लिखता हूँ, ठीक है, तो राम ने कितना टोटल किया, 80 इधर किया, 20 इधर किया, तो 100 किया, ठीक है। और रवि ने कितना किया, टोटल 80 भी नहीं उसने कवर किया, बस 20 किलोमीटर पीछे ही है बी से, तो इसने कितना किया, 60 किया, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो 60 जब ये करेगा, तो अब देखो तो 60 किया, तो मैं इसको काट देता हूँ, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, ये 5 आ जाएगा आपका, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया, ठीक है, और यही स्पीड का भी रेशियो होगा। बोलो क्यों, क्योंकि टाइम तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, ये भी 5:3 हो जाएगा। देखो तो कंसेप्ट आपको समझना है, आपको एक सिंपल फॉर्मूला पे इतना बेहतरीन वो क्वेश्चंस बना के दे दिया, ठीक है। तो देखो तो अब क्या है कि मुझे किसका स्पीड दिया हुआ है, देखो इन दोनों का डिफरेंस मुझे दिया, क्योंकि बोला है कि जो रवि का जो है 6 किलोमीटर कम है, तो यहाँ मुझे कितना दिख रहा है, यहाँ दोनों का डिफरेंस, यहाँ 2 यूनिट दिख रहा है, तो 2 यूनिट मुझे कितना दिया है, 6 दिया है, मतलब कितना टाइम से, ये 3 टाइम से। तो मुझे किसका स्पीड निकालने बोला है, मुझे बोला है रवि का, तो इसको भी मैं 3 टाइम्स कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वही अगर मुझे बोलता है कि इसका कितना है, मतलब राम का कितना है, तो इसको भी मैं कर देता 3, तो ये आ जाता आपका 15 किलोमीटर। देखो इन दोनों का अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो, इन दोनों को माइनस करोगे 15 × 15 − 9, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा, वही मुझे डिफरेंस भी यहाँ दिया हुआ है, तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलो, एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 220 कामगारों को नियुक्त किया है, ठीक है। यदि 40 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हो तो पूरा काम को समय पर पूरा करने में कितना अतिरिक्त कामगार लगेंगे, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली कर सकते हो, MDH आपने पढ़ रखा होगा। देखो तो पहला क्या बोला है कि 150 दिन उसके पास पूरा है, ठीक है, को पूरा करना है, पूरे काम को करने के लिए 220 कामगार को नियुक्त किया गया,
यदि 40 दिन में केवल एक चौथाई, मतलब मान लेता हूँ कि मेरा पूरा जो काम है वो चार है, तो पहला 40 दिन में क्या होता है, इसका 1/4 होता है, तो 1/4 में निकालूंगा, तो मतलब क्या मेरा 1 ही काम हुआ है, मतलब काम मेरा बच क्या गया, मेरा 3 काम बच गया। अब मैं सिंपल लगा दूंगा MDH का, मतलब तो पहले 40 दिन, ठीक है, आदमी कितना है मेरे पास 220 है, और काम कितना हुआ है मेरा 1 यूनिट ही हुआ है, ठीक है, और मेरा काम बचा हुआ कितना है, 3 काम, 3 यूनिट काम बचा हुआ है, ठीक है, और जो मेरा अभी मतलब 40 दिन तो चला गया मेरा, और टाइम कितना बचा हुआ है, 110 बचा हुआ है, तो मैं यहाँ 110 लिख लूँगा, ठीक है, और मुझे कितना और आदमी चाहिए, तो 220 तो मेरे पास पहले से ही है, 220 मेरे पास पहले से ही है, तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 220 करूँगा, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे करना है, इसको आप 2 टाइम से काट सकते हो, ठीक है, कट गया ये, और आप इसको कैसे करोगे, यहाँ इस ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा चरका चार, तो 12, ठीक है, 12 में 24, 240 इधर आ जाएगा आपका, और x प्लस 220 है तो 220 इधर ला दो आप, ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा x, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 20, तो 20 आदमी हमें और चाहिए होगा, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, MDH, ठीक है, डिवाइडेड बाई W, इधर भी MDH डिवाइडेड बाई W, ठीक है, ये सिंपल था, तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब ये देखो, दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर प्रथम ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, तो ये मान लो कोई यहाँ है, पहला ट्रेन जो ए से बी के लिए चलता है, दूसरा जो है बी से ए के लिए चलता है, ए से बी, बी से ए, ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः बी तथा ए बिंदु पर 9 घंटे तथा 16 घंटे में पहुंचती है, तो बताएं उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि मान लो ए यहाँ, ठीक है, यहाँ आया, ठीक है, यहाँ, और बी भी आपको ये यहाँ आया, इन दोनों यहाँ मिले, ठीक है, उसके बाद ए जो टाइम लिया है यहाँ से यहाँ आने के लिए वो कितना लिया है आपका, वो 9 घंटा लिया है, ठीक है, वही बी जो आफ्टर मीटिंग यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना लिया है, ये 16 घंटा लिया है, तो पूछा है कि दोनों का चाल का रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, S1 बाय S2, हम लोग ने इस टाइप का जब भी फॉर्मूला आए, मतलब जब भी इस टाइप का चीज़ पूछा जाए, तो हम लोग ने पढ़ रखा है ये क्या होता है आपका, S1 बाय S2 जो होता है T2 बाय T1 होता है, ठीक है, तो T2 क्या है, मतलब B को कितना लगता है आफ्टर मिलने के बाद उसको A तक पहुँचने के लिए, तो 16 लगता है, ठीक है, और A को कितना लगता है, T1 को कितना लगता है, तो आपको यहाँ 9 दिया हुआ, ठीक है, तो 9 लगता है, ठीक है, तो इसको मतलब रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, होपफुली आप 20 में से 20 स्कोर जरूर कीजिएगा। अब ये भी नहीं कि लेके बैठ जाना, हार्डली 40 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। देखो, 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में, जिनमें पहले वर्ष के लिए दर 20% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर हो, तो कितना हो जाएगा, मतलब 500 रुपया कोई था, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, उसको मान लो कहीं लगाया गया, आप किसी को दिए, ठीक है, तो पहला जो वर्ष है उसमें 20% इंटरेस्ट है, और दूसरा जो है आपका 25% इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आपको यहाँ पूछा है, ठीक है, तो सिंपल है, देखो पहला में कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है, दूसरा में क्या मिल रहा है, 25% मिल रहा है, तो पहला में तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर में जो होगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 20% पे 25% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 25% मतलब क्या होता है 1/4, तो इसका 1/4 क्या होगा, यहाँ 5% आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, तो इसका 50% कितना होता है, आप डायरेक्टली देख रहे हो 250 होता है, तो 500 + 250 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 750, ठीक है, कर लोगे विद इन ए सेकेंड। एक चीज़ इसको मैं एक तरीके से और करवा दूँ, देखो 20% मतलब क्या होता है बोलो, 20% मतलब होता है 1/5, ठीक है, 20% मतलब 1/5 होता है, और 25% मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है, 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होता है, ये सब तो पता ही होगा आपको, कैसे लिखा पता है ना, 25% मतलब क्या, 25/100, तो इसको कितना से काटोगे, 4 से काटोगे तो 1/4 आया, वही चीज़ है, तो देखो तो ये मेरा 500 था, तो 525% मेरा इंक्रीज होगा, ठीक है, और आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, सक्सेसिव, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ने ये पढ़ रखा है, ठीक है, तो 500 इसको सक्सेसिव मतलब कि 1 इंक्रीज हो रहा है आउट ऑफ 5, ठीक है, तो इस कितना हो जाएगा, 6/5, फिर से ये जितना आया फिर से इस पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, तो वो कितना 25% 1/4, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5/4, ठीक है, इसको सॉल्व करो, यहाँ 5, यहाँ से 5 चला गया, और यहाँ से ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो अगर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका उतना ही वैल्यू देगा, ठीक है, जितना कि हम लोग ने ऊपर निकाला है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, नहीं तो क्या जाता है, खैर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, मैंने सही किया कि नहीं, देखो तो 6/5, ठीक है, और ये 5/4, ठीक है, तो 5/5 कट गया, तो यहाँ ये आप
इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 5 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 1/4, ठीक है। तो मैं यहाँ से काट दिया, यहाँ से मैं काट दूंगा 25, 25 फाइव जा या आ जाएगा 625। हमने कुछ गलती कर दिया लगता है इसमें, ठीक है। इसको एक बार हम लोग फिर से कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसिव वाला याद रखना है, ठीक है। जो जो चीज़ जिस तरीके से बता रहा हूँ उसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, देखो 25% मतलब होता है 1/4, ठीक है, और आपका जो 20% मतलब होता है आपका 1/5, ठीक है। ये इंक्रीमेंट दिखा रहा है, ठीक है, ये आपको आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मूलधन कितना है, मेरा 500 है, तो पहला इस कितना परसेंट, पहला कितना है आपका 20%, तो मैं 20% पहले इंक्रीज कर देता हूँ, तो 6/5, ठीक है। और ये जो फिर ये इंक्रीमेंट कितना होगा आपका 5/4, ठीक है। तो यहाँ 5/4 हो गया, ठीक है, समझ में आए। तो ये क्या होगा कि आपका 5/5 कट जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से ये 5 कट जाएगा, सॉरी यहाँ से ये 100 चला गया, ठीक है, ये 100 हो गया आपका। और यहाँ से आप ये 2 कर लो, यहाँ से आप ये 3 कर लो, ठीक है, फिर से यहाँ से 2 कर लो और यहाँ से आप ये 50 कर लो, तो 5 5 25, 250 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 750, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बस थोड़ा करना था, उसमें कुछ है नहीं, समझ में आया। तो दोनों तरीके से मैं बताती हूँ, मेक श्योर चीज़ों को आप दिमाग में समझते हुए चलोगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में इतना हो जाती है और 3 वर्ष में इतना हो जाती है, ठीक है, तो रुपए मूलधन कितना था। अब ये इसमें ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें बहुत समझने का चीज़ है, ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है, पर जो चीज़ मैं समझाना चाहूँगा उसको ध्यान से समझना। देखो कोई चीज़ है, मान लो मैंने पी है मेरा, ठीक है, तो पहला क्या होता है, वो 2 साल में 5182 हो जाता है, ठीक है। वही आपका 3 साल में क्या हो जाता है, वो आपका 3 साल और ये 2 साल, ठीक है, 3 साल में वो क्या हो जाता है आपका 5832 हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये जो आपका आ जाएगा, ये जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 650, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 1300, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 2 साल का इंटरेस्ट, तो ये 2 साल में इतना बढ़ के हो जाता है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट से। तो मैं 1300 अगर इसमें माइनस कर देता हूँ, ठीक है, 5182 1300, तो ये आपका आ जाएगा 3882, ठीक है। तो ये आपका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ ये समझना है कि देखो मुझे ये CI का फॉर्म में दिया होता, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली इसका डिफरेंस निकाल के 1 साल का मैंने डिफरेंस निकाल लिया, वो मेरा क्या होगा 1 साल का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जो CI होता है उसमें हर साल इंटरेस्ट सेम होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ निकाला और उसको मैंने डबल कर दिया, तो मुझे 2 साल का इंटरेस्ट मिल गया। मुझे दिया है कि ये पी है और 2 साल के मतलब मेरे मूलधन है, और पी जो 2 साल के बाद इतना हो जाता है, तो मैंने 2 साल का उसमें इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो मुझे पी मिल गया। ये था अगर CI इसी जगह, अगर ये सॉरी ये SI था, अगर इसी जगह ये CI होता तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। हम लोग इसके जगह क्या करते, देखो 5858 ये जो है आपका ये वाला 5182 इंटू एक्स करते इक्वल टू 5832, और हम लोग देखते कि ये जो बढ़ा है कितने टाइम्स बढ़ा है, और उतना ही टाइम्स हम लोग पी इंटू एक्स करते और वो वैल्यू हम लोग निकाल लेते। ये चीज आपको अगर समझ में नहीं आया, आगे चलते फिर मैं समझाता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है। देखो कोई धनराशि, अब इसको ध्यान से समझना मैंने क्या समझा, अगर जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से नहीं करोगे इट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सी देखो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष में कितना हो जाता है, मान लो ये पी है, ये 2 वर्ष में जाके कितना हो गया आपका 4500 ये हो गया, ठीक है। और फिर से क्या बोला है कि ये 4 वर्ष में, ठीक है, मतलब 2 साल बाद, फिर से इसका 2 साल बाद ये क्या हो जाता है आपका कितना हो जाता है 6750, ठीक है, 6750 हो गया। तो पूछा है कि पी कितना है, अब इसमें आप डायरेक्टली इसका डिफरेंस निकाल के नहीं कर सकते कि ये क्यों क्या है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें आपका इंटरेस्ट चेंज होता है, ठीक है। तो ये 2 साल के बाद इतना हो गया। अब देखो आप इसको क्या करोगे, तो देखो पहले इसमें निकाल लो कितने टाइम्स वो बढ़ा है, तो देखो बस वही, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 4500 इंटू एक्स इक्वल टू 6750, और यहाँ x का वैल्यू निकाल लूँगा 6750 डिवाइडेड बाई 4500, 0 से 0 काटूंगा। अब इसको आपको काटने भी आना चाहिए, 25 से कट रहा है, ठीक है। अब मैं कभी दिखाऊंगा कि आखिर मैंने इसको काटा कितना जल्दी, कैसे मैंने काट लिया, ठीक है। अभी आप समझ लो, आप जैसे काटते हो काट लो, ठीक है। तो ये जो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है। तो मतलब ये जो है इसका मतलब 6750 जो है ये है
3/2 टाइम्स, मतलब 450 का अगर 3/2 टाइम्स करोगे तो 6750 आएगा। उसी तरीके से अगर पी इंटू 3/2 करोगे तो कितना मुझे आना चाहिए, 4500 आना चाहिए, क्योंकि ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो पी जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 3000। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, कमेंट करना है कितना क्वेश्चन आपने खुद से सही किया। देखो, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना इतना दिया हुआ है, पहली और तीसरी का गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जल्दी कैसे करें। देखो, तो ये मैं पहला नंबर मान लेता हूँ, ठीक है, ये दूसरा नंबर मान लेता हूँ, ये तीसरा नंबर मान लेता हूँ। ठीक है, तो पहला दूसरा दिया हुआ है 8:9, दूसरा और तीसरा मुझे दिया है 3:4। ठीक है, तो पहले तो मुझे इसको इक्वल करना होगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 24 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 27 और ये आ जाएगा आपका 36। तो मैंने इसको अगर मैं काटता हूँ 3 से, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8, यहाँ आपका आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब क्या करना है, देखो, अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाऊंगा, मुझे क्या पूछा है, इन तीनों का योग पूछा है, तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, ये रेशियो में है अभी, ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 29। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 29 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यहाँ डायरेक्टली देख रहे हैं, यहाँ सब में एक ही है जो आपका 29 का मल्टीपल है, वो है आपका 145। डायरेक्टली आप आंसर मार लोगे, बट अगर इस तरीके से दिमाग में अगर नहीं आया तो कैसे करोगे, इतना आप सॉल्व करोगे, उसके बाद क्या करोगे, मुझे इन दोनों का क्या दिया है, मल्टीपल दिया है 8x into 12x। ठीक है, 8x into 12x मुझे कितना दिया है, 2400 मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ 12 से काटता हूँ तो क्या आ जाएगा, 12 में 200 आ जाएगा। ठीक है, और x स्क्वायर जो आ जाएगा यहाँ 25 आ जाएगा, और x जो आ जाएगा यहाँ आपका 5 आ जाएगा, तो 29 into 5 कर दोगे, क्योंकि मुझे x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो जब मुझे x का वैल्यू मिल गया तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ 29 into 5 कर दूंगा। ठीक है, तो 29 into 5 करूँगा तो मेरा ये भी आ जाएगा 145। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब ये देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में इतना हो जाता है और 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या है। ठीक है, अब ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपने क्या सीआई समझ रखा है। देखो, तीन कोई भी मान लो पी है जो 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में क्या हो जाता है आपका, वो 2400 हो जाता है। ठीक है, और वो फिर से 4 वर्ष में, ठीक है, 1 साल यहाँ, मतलब 4 वर्ष में क्या हो जाता है आपका, वो 2520 हो जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है आप सीधा आप देख पा रहे होगे, ये जो आ रहा है 120 आ रहा है। ठीक है, और 120 जो है ये 2400 का कितना है, 0 से 0 काटोगे, 12 का 12 24 काटोगे तो 20 आ गया, 1/20 मतलब कितना, ये 5% है। ठीक है, तो इसका आंसर 5% हो जाएगा। होपफुली चीज़ें आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कैसे ऐसे परसेंटेज निकाल दिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये उसके टाइम्स होता है, कितने टाइम्स वो बढ़ा है, क्योंकि ये सीआई है। ठीक है, चलो, एक मानचित्र में, ठीक है, एक मानचित्र में 500 किलोमीटर को 2 मिलीमीटर बताया जाता है। ठीक है, 500 किलोमीटर को 2 मिलीमीटर बताया जाता है, तो दो स्थानों के बीच की दूरी 3.5 मिलीमीटर है, तो 3.5 मिलीमीटर है। ठीक है, मैं डायरेक्टली करवाते ही जा रहा हूँ, 3.5 मिलीमीटर के रूप में अंकित किया है, तो इन दोनों स्थानों के बीच दूरी कितना है, तो मैं डायरेक्टली निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो याद रहेगा 500 into 3.5 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा ये क्या 2। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, 20, तो ये यहाँ से यहाँ कट गया और यहाँ से ये 25, तो क्या आ जाएगा आपका 25। ठीक है, 25 into 35। ठीक है, तो अगर मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, होपफुली अगर आप वो चीज़ को याद हो, यूनिट डिजिट में डायरेक्टली इसको ऑप्शन, इसमें एक्चुअली ये गलती हो गया था। ठीक है, उसी समय तो ऑप्शन एक्चुअली गलती दिया गया था। ठीक है, तो मैं इसका ऑप्शन ओरिजिनल ऑप्शन में लिख देता हूँ। ठीक है, इसका जो आपका जो ओरिजिनल जो आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये जो आपको होगा वो हो जाएगा आपका, क्यों ऑप्शन लिख देता हूँ तभी मैं इसको समझा पाऊँगा कि आखिर ये हो कैसे रहे। ठीक है, तो देखो, जो इसका जो आपका ओरिजिनल जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 875। ठीक है, इसका जो आंसर होगा 875। अब देखो ये करना कैसे, ऑप्शन में 875 भी होगा। देखो, जब भी इस टाइप का आए, मैंने आपको एक ट्रिक समझाया था, ट्रिक क्या है, मतलब समझ की बात है, इसको क्या करना, पहले ऐड कर लेना, यूनिट डिजिट निकालो, तो 5 + 6 = 7 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 = 56। ठीक है,
छप्पन, छप्पन को फिर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपको बस आप उसी तरीके से ऑप्शन चेक करना है कि किसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। अगर ये चीज़ नहीं पता है, मतलब आपने मेरा प्रीवियस जो भी प्रैक्टिस सेट करा है मैंने आपने नहीं देखा है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, 7 7 14 15, ठीक है, 15 5 20, 20 आ गया टोटल। तो 2 + 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है ये, आप डायरेक्टली ऑप्शन में देख के मार्क कर लेते, अदरवाइज आपको ये 25 × 35 पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी करके देख सकते हो। पर ये जो चीज़ है आपको सिंप्लीफिकेशन में, मतलब हर क्वेश्चन आप इजिली 10 से 15 सेकेंड में उड़ा दोगे अगर ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। अब ये देखो आप कुछ 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। देखो अभी जो मैंने 15 क्वेश्चन का है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप फिर से मैं बोल रहा हूँ एक ही क्वेश्चन खुद से एनालाइज करना, ठीक है, और देखना आप उससे क्या क्या चीज़ सीखे हो, ठीक है। देखो तो ये है आपका, इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली, आप अगर देखोगे 88 64 24, ठीक है, मैं बैक से ले लेता हूँ, यहाँ से जो ऐड किया गया है अगर इसको देखोगे तो ऐड में क्या हुआ है, +40 हुआ है, मैं बैक से ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एडिंग हमेशा ईजी होता है, इधर से करूँगा तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इधर से अगर इधर करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 24, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने फिर देखा कि 8 × 11 है, ठीक है, फिर से 8 × 8 है, फिर से 8 × 3 है, ठीक है, तो बस मतलब 8 का मल्टीपल ही मुझे दिख रहा है, इसमें और कुछ दिख नहीं रहा, तो नेक्स्ट जो होगा 8 × 1। अब इसका एग्जैक्टली लॉजिक ऐसा बैठ नहीं रहा है, पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और सॉल्यूशन भी इस तरीके से ही माना गया है, ठीक है, कि 8 का मल्टीपल है। अब इसको कैसे करोगे, तो सिंपल मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको इसको टंग पे रहना चाहिए, ठीक है, कि x का क्या होता है, z का क्या होता है, w का, इसमें कोई ट्रिक व्रिक याद मत रखना, डायरेक्टली देखा h मतलब 8, i मतलब 9, g मतलब 7, j मतलब 10, टंग पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं एक का लिख देता हूँ, जैसे कि मैं b का लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, अब नंबर भी लिखना है, एक्स वाई जेड, मतलब 2 ऐड हो रहा है, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई, ई एफ जी डी ए बी सी डी ई एफ, मतलब +2 + 2 हो रहा है, एम N O P, ठीक है, N M N O P M N O, ठीक है, तो ये मतलब ये देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, लिख ही देता हूँ, ठीक है, N P M O, ठीक है, तो N क्या होता है आपको पता है, ये होता है 14, P कितना होता है आपका, होता है 16, ठीक है, 14 15 16, ठीक है, P 16 होता है, Q 17 होता है, M जो होता है आपका 13 और ये होता है 15, मतलब +2 + 2 हो रहा है, ठीक है। तो H H 8 है, ठीक है, तो इसमें +2 करेगा तो 10 होना चाहिए था, पर क्या है यहाँ H I, तो ये आपका गलत है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, सही विकल्प का चयन करें, ठीक है, श्रृंखला को पूरा करें, तो 2 3 5 7 11 13, ठीक है, आप डायरेक्टली देख रहा है कि ये सब जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब 2 × 1 3 × 1 5 × 1, मतलब खुद अपना फैक्टर है या उसका आइदर वन फैक्टर होता है, 13 के बाद क्या आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम है, ऑड है, इवन है, ठीक है, फैक्टर कितना वाला है, तो ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा। तो जब भी मैं क्वेश्चंस लाता हूँ इनिशियली खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब देखो एक घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब 4:15 समय दर्शा रही है, तो घड़ी का समय क्या होगा, दर्पण पला पता है, जब भी मिरर में इतना दिखा रहे हो तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, 11 क्या करते हैं, 60, ये आपका आवर है, ये आपका मिनट है, ठीक है, तो इसको 4, यहां आपका आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा आपका 45 और ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है, 7 8 9 10 11, तो 7:45 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए डायरेक्टली देखो आप कैसे करना है, देखो यदि रेजर को बॉक्स कहा जाता है, बॉक्स को ये कहा जाता है, उतना पढ़ो ही, मतलब आप समझिए कि किस टाइप का क्वेश्चन, आप लास्ट देखो छात्र लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो देखो किस लिए, पेंसिल का करते हैं, ठीक है, तो आप देखो पेंसिल को क्या बोला गया है, तो बॉक्स को पेंसिल और पेंसिल को कहा जाता है, बॉक्स को पेंसिल कहा जाता है और पेंसिल को थैला कहा जाता है, तो थैला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये 20 क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे बताना आपने कितना स्कोर किया 20 में, ठीक है, अगर आप 20 स्कोर नहीं कर रहे हो डेट मीन्स आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप 85 प्लस तभी स्कोर पर कर पाओगे मेंस में जब आप क्या करोगे 20 out of 20 ये लेके आओगे, ये 20 out of 20 आपको लाना ही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल कंसिडर योर सेल्फ टू सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक जरूर करके जाया कीजिए, ठीक है, इतना जो मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो लाइक मेक श्योर, लाइक का कमी मत रखा करो, ठीक है, कुछ भी डाउट हो नीचे बताया करो, और फिर से यही बोलूँगा क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन थे, आपको करके मज़ा आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, ठीक है, ये आपका स्पेशल क्लास था, ठीक है, और आपका एज यूजुअल कल से जो 50 क्वेश्चन का सेट चलता है वह चलता रहेगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड के भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, पर आज जो मैंने समझाया, आज मैंने जो सिखाया, जो भी बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने करवाया,
प्लीज़ इसको नोट कर लेना, और जो इस तरीके से मैंने अप्रोच आपको समझाया वो भी कर लेना, ठीक है। बट स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, फील फ्री टू कमेंट डाउन, फील फ्री टू शूट डाउन योर कमेंट, ठीक है। सो स्टार योर हार्ट, जय हिंद।